हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, ये आपका पहला ऑनलाइन लेक्चर है बाय प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर ये लेक्चर लिया जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 आपका है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। प्रैक्टिस सेट 6.1 हम शुरू कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, x² + 9x + 18। स्टूडेंट्स, इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें लास्ट नंबर को पकड़ना पड़ता है। लास्ट नंबर आप देख रहे हैं 18 है, उसे पकड़ के साइड में लिखिए। अब 18 के टेबल सोचिए कि 18 किसके टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है 18 1 जा 18, 2 के टेबल में भी आता है 9 2 जा 18, 3 के टेबल में भी आता है 3 6 जा 18, और किसी भी टेबल में नहीं आता। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा साइन है। यहाँ पर देखिए पिंक बॉक्स में प्लस है, तो प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, 9। यहाँ पर जो रहता है उतना आना चाहिए, तो 9 प्लस करने के बाद 9 कौन दे रहा है, प्लस करने के बाद 9 ये ब्लॉक दे रहा है और कोई नहीं देगा। सो ये परफेक्ट है 6 और 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x एंड 3x। पहले बड़ा वाला लिखा जाएगा 6 और फिर छोटा वाला लिखा जाएगा 3। सो 6x एंड 3x लिखा गया। साइन देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पर रहेगा बीच में वही साइन बड़े वाले को मिलेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। फिर यहाँ पर पिंक बॉक्स में देखिए प्लस है, तो प्लस बोलता है सेम, मतलब जो पहले वाले को दिया वही दूसरे वाले को भी दो। पहले को प्लस दिया तो इसको भी प्लस देना है। फर्स्ट टर्म आप कॉपी कर लीजिए x², लास्ट टर्म भी कॉपी कीजिए 18 + 18। अब दो टर्म्स का ग्रुप बनाकर सोचिए इसमें क्या कॉमन है, दोनों में सेम क्या है। तो x दोनों में है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x, x कॉमन है। यहाँ डबल x है स्टूडेंट्स, डबल x में से एक x गया तो दूसरा x बचेगा ना। चेक कीजिए, ये x² है, इसके अंदर से एक x चला गया तो डेफिनेटली यहाँ पर अब क्या बचेगा, एक ही x। और इस सेकेंड वाले में से देखिए 6x था, 6x में से एक x चला गया तो फिर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये 6 और x है जिसमें से x चला गया तो 6 बचेगा +6। अब देखिए दूसरे ग्रुप में, दूसरे दो टर्म का ग्रुप बनाइए। ये दोनों कितने के टेबल में आएंगे, कितने के पहाड़े में आएंगे, 3 के टेबल में। सो 3 कॉमन लिया जाएगा। अब चेक कीजिए इस ब्लू बॉक्स में, देखिए 3 और x है जिसमें से 3 चला गया बाहर तो फिर ब्लू बॉक्स में अब क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। सो यहां लिखेंगे हम x। नाउ 18 मीन्स 6 3 जा 18, मतलब इसमें 3 और 6 है, 3 चला गया तो फिर रेड बॉक्स में क्या बचेगा, सिर्फ 6। तो लिखेंगे हम +6। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों ब्रैकेट में देखिए बिल्कुल सेम है, यहां पर भी x + 6 है और चेक कीजिए यहां पर भी x + 6 है। सो हम क्या करेंगे, x + 6 कॉमन लेंगे। तो यहां पर लिखा जाए x + 6, ये x + 6 हमने कॉमन ले लिया। x + 6 चला गया तो यहां से बचेगा x, और x + 6 चला गया तो यहां से बचेगा +3। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इसे कहते हैं फैक्टराइज करना, दो ब्रैकेट में आप कर दिए मतलब फैक्टर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, x² + 9x + 8। बोलिए लास्ट नंबर क्या है, 8 है। सो 8 लिखिए, 8 ये जो है इसे ब्लॉक कर लीजिए, पकड़ लीजिए और साइड में लेकर आइए। 8 को साइड में लेकर आइए। अब सोचिए 8 किसके किसके टेबल में आता है, 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है वो सोचना है। तो 1 के पहाड़े में आएगा, 1 8 8, 1 8 जा 8, और 2 के भी टेबल में आएगा, 2 4 जा 8। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ चुका है तो स्टॉप कीजिए अब, और किसी के टेबल में वो नहीं आएगा। यहाँ पिंक बॉक्स में देखिए प्लस है, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 9। अब बताइए कौन सा सेट प्लस करने पर 9 दे रहा है,
प्लस करने पर 9 कौन सा सेट दे रहा है, 1 और 8, तो हम 1 और 8 लेंगे, 1 और 8, पहले बड़ा लिखा जाएगा 8x, फिर छोटा लिखा जाएगा 1x, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स बीच वाला साइन जो है, यहां पर बीच वाला साइन हमेशा बड़े को देना है, तो प्लस है तो हम इसको प्लस दे देंगे। इसके बाद पिंक बॉक्स में प्लस है, वो बोलता है कि सेम देना, पहले को प्लस दिया तो दूसरे को भी अब प्लस ही दो। फर्स्ट टर्म कॉपी कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी कॉपी कर लीजिए प्लस 8, सो यहां प्लस 8 लिखा जाएगा, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स दो टर्म का ग्रुप बनाइए, ये दो टर्म का ग्रुप बनाया गया, इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों के पास एक्स है ना, सो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लिया गया। अब चेक कीजिए ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, ये दो बार एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब दो बार एक्स है, एक बार एक्स चला गया तो अब ग्रीन में एक ही बार एक्स बचेगा, तो यहां पर ग्रीन में लिखेंगे एक बार एक्स। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 8x है, 8x पीले बॉक्स में 8x किया जा रहा है, 8x में से x चला गया, अगर पीले बॉक्स में से x चला गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो यहां हम लिखेंगे प्लस 8, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं इनका ग्रुप बनाइए, 1 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हम लिखेंगे 1, और ब्रैकेट में अब चेक कीजिए यहां से 1x में से 1 चला गया, अगर 1x में से 1 चला गया तो ब्लू बॉक्स में क्या बचेगा, सिर्फ x, तो यहां लिखिए सिर्फ x। अब 8 क्या होता है, 8 एक के 8, 8 वन जा 8, तो उसमें से 1 तो चला गया बाहर, 1 बाहर चला गया, तो अब वहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 8, 1 8 जा 8 होता है, 1 चला गया तो 8 बचेगा। अब देखिए दोनों टेबल में सॉरी दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, यहां भी x प्लस 8 है और यहां पर भी x प्लस 8 ही है, तो x प्लस 8 दोनों ब्रैकेट में सेम है, उसे कॉमन ले लेंगे, यहां लिखा जाएगा x प्लस 8, x प्लस 8 लिखने के बाद यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस 1, करेक्ट स्टूडेंट्स, ब्रैकेट छोड़ दीजिए तो यहां से x और यहां से प्लस 1, इस तरह से ये फैक्टर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिए ठीक से स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 144, इसके अंदर 144 का फैक्टर सोचा जाए, 144 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 144 1 जा 141, 72 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में, 3 टेबल 48 में, 4 टाइम्स से 36, 6 टाइम्स से 24, 8 टाइम्स से 18, 9 टाइम में 16 और 12 टाइम में 12 आएगा, तो ये सब पहाड़े परफेक्ट हैं 144 के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर प्लस करने के बाद 24 आना चाहिए, तो वो कौन है, 12 12, करेक्ट है, तो यहां लिखेंगे हम 12x और फिर से लिखेंगे 12x, 12 12 परफेक्ट है, प्लस करने पे 24 आ रहा है। अब बीच वाला साइन किसको देंगे, बड़े को, यहां बीच में प्लस है तो यहां प्लस देंगे, और ये भी प्लस है तो वो बोलता है सेम दो, यहां प्लस तो यहां भी प्लस, तो दोनों को प्लस, फर्स्ट टर्म कॉपी कर लीजिए, लास्ट टर्म भी कॉपी कीजिए, प्लस 144। अब स्टूडेंट दो टर्म का ग्रुप बनाइए, इसमें से कॉमन देखिए एक्स है, सो यहां पे लिखिए एक्स। अब डबल एक्स में से देखिए स्टूडेंट्स इसको ग्रीन कीजिए, डबल एक्स में से एक एक्स दिया तो दूसरा एक्स बचेगा, यहां पर लिखेंगे दूसरा एक्स। यहां पर 12 और एक्स है स्टूडेंट्स, इसे बॉक्स करते हैं येलो, 12 और x में से x चला गया तो यहां पर बचेगा आपका प्लस 12, ब्रैकेट क्लोज। अब ये दूसरा ग्रुप बनाइए, ये देखिए स्टूडेंट दोनों 12 के टेबल में आएंगे, दोनों 12 के टेबल में आएंगे, सो 12 कॉमन लिया जाएगा, दोनों में से आप 12 कॉमन लीजिए, आप दोनों में से अगर 12 कॉमन लेते हैं तो पहले बॉक्स में से 12 चला गया तो x बचेगा, दूसरे बॉक्स में 12 12 के 144 होता है, तो 12 12 जा 144, 12 बाहर गया तो दूसरा 12 बचेगा, इस तरह से दोनों ब्रैकेट में सेम बचा हुआ है x प्लस 12 x प्लस 12। अब वो x प्लस 12 आप कॉमन ले लीजिए, सो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस 3, तो ये हुआ आपका आंसर x प्लस 12 x प्लस 3। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क स्क्रीन है, इसे आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आज हमने बहुत ही अच्छा लेक्चर चालू किया है, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।